हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में किस पे बात करने वाला हूँ, किस विषय पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, यह विषय बेहद ही करंट में चर्चित हुआ है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है, निबंध के रूप में भी और टिप्पणी के रूप में भी, राज व्यवस्था और करंट अफेयर्स दोनों के दृष्टि से भी यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है ये लोकपाल। जैसे आप सबको पता है, पिछले कुछ दिनों में ये न्यूज़ में चर्चा में रहा, लोकपाल का गठन हो चुका है और इसका क्या स्ट्रक्चर है, कितने सदस्य होते हैं, कितना कार्यकाल होता है सदस्यों का और अध्यक्ष का, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे कार्रवाई कर सकता है ये सब बड़े आसान भाषा में हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आइए देखते हैं लोकपाल के विषय में। दोस्तों, भारत के लोकपाल का गठन हो चुका है। इस लोकपाल के अध्यक्ष हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली देश की सर्वोच्च संस्था लोकपाल का गठन हो चुका है। लोकपाल के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को शनिवार को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा चार न्यायिक और चार गैर न्यायिक सदस्य हैं, यानी टोटल आठ सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति ने गत 19 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश स्वीकार करते हुए लोकपाल अध्यक्ष पद पर जस्टिस घोष व आठ सदस्यों की नियुक्ति की थी। लोकपाल की कानून धारा 7 कहती है कि लोकपाल अध्यक्ष के वेतन और शर्तें वही होंगी जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की होती हैं, और लोकपाल सदस्यों के वेतन व शर्तें वही होंगी जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलते हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रपति ने लोकपाल अध्यक्ष को पद की शपथ दिलाई। जैसे कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। माना जा रहा है कि इसी प्रकार लोकपाल के जो अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष साहब हैं, वे भी अन्य आठ सदस्यों को, लोकपाल के आठ सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। सदस्यों के पद ग्रहण करने के बाद ही लोकपाल संस्था विधिवत अपना कामकाज शुरू करेगी। कार्यकाल की बात करते हैं तो दोस्तों, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक वे अपने पद पे बने रह सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनकी दोबारा अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती, ना ही राष्ट्रपति उन्हें किसी राज्य का प्रशासक या डिप्लोमेट आदि नियुक्त कर सकता है, ना ही वे भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य पद छोड़ने के बाद 5 वर्ष तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संसद सांसद अथवा विधायक आदि का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, किनकी किनकी जांच कर सकते हैं। लोकपाल को प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और ग्रुप ABC और D के अधिकारियों वह केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ आने वाली भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने का अधिकार होगा। प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच की शर्तें क्या क्या हैं? कानून कहता है कि लोकपाल प्रधानमंत्री के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों, पब्लिक आर्डर, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस से जुड़े मुद्दों पर जाँच नहीं करेगा, जब तक कि लोकपाल की पूर्ण पीठ, जिसमें लोकपाल अध्यक्ष और 8 सदस्य मिलकर विचार करने के बाद कम से कम 2/3 सदस्य ऐसी जांच की मंजूरी ना दे दें। कानून यह भी कहता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच इन कैमरा यानी गोपनीय जांच होगी। जांच के बाद अगर लोकपाल को लगता है कि शिकायत खारिज होने लायक है तो उस जाँच से संबंधित कोई भी दस्तावेज या रिकॉर्ड पब्लिश नहीं होगा और ना ही किसी को उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो लोकपाल के ऊपर जो बेहद चर्चा है इन दिनों।
आने वाले वीडियो में दोस्तों लोकपाल पर हम निबंध आपके सामने लाएंगे, जो कि निबंध के पेपर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाली परीक्षाओं जैसे UPPCS मेंस तथा अन्य मुख्य परीक्षाओं के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को प्यार यूं ही देते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए ग्रेट टाइम।